सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आ चुका है हमारे पास ये बॉक्स। अमेजोन से मैंने इसको ऑर्डर किया था, तो इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे पास कटर है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम अपनी बाइक की चाबी से काम चला लेंगे अपने घर की। सो इसको हम कर देते हैं यहाँ से फटाफट से। अरे खुल गया भाई, थोड़ी दिक्कत है बट कोई नहीं, हम इजीली जुगाड़ू बंदे हैं, आराम से मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारा ये कागज नॉर्मल सा जो भी होता है, ये हमारी स्लिप रसीद वसीद को अंदर ही रख देते हैं। और ये है हमारा बॉक्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा बॉक्स वगैरह, स्विच टू गॉड मोड एंड ऑल। सो गाइज, ये आ चुका है हमारा कॉस्मिक बाइट का CB EP03। इसके अंदर का अब ये मटेरियल देख लेते हैं, तो इस साइड से ओपन होगा। सो गाइज, ये हमारा एक नॉर्मल बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। सो गाइज, ये मुझे काफ़ी डिफरेंट टाइप से लगा। सो गाइज, ये रहा हमारा ईयरफोन, ये एक पाउच सा दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पाउच कैरी वैरी करने के लिए। कोई बात नहीं, इसको बाद में देखें, इसको रख देते हैं। ये हमारा स्प्लिटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीसी वीसी में यूज़ करने के लिए। सो ये स्प्लिटर आ जाता है, ये हमारा लगाने के लिए इसके ऊपर, ईयरफोन के ऊपर। ईयरबड देखने को मिल जाते हैं हमें 2 pairs और एक्स्ट्रा। और ये एक क्लिप, मतलब आप जो क्लिप क्लिप लगाते हैं शर्ट वर्ट में, लगा लो दबा लो, तो ये क्लिप है। बाकी अभी इसको भी खोलेंगे। और ये रहा हमारा एक्स्ट्रा एक्सटर्नल, मतलब जो एक एक्स्ट्रा माइक हमें देखने को मिलता है। सो गाइस, ये रहा ये हमारा एक्स्ट्रा माइक। बाकी इसके अंदर ये प्रेम पत्र वगैरह, और ये वही, बाकी सब यही सब है। सो गाइस, इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये मिला हमें जो ऊपर एक्स्ट्रा हमें कान में फिट करने के लिए होता है हमारे। बाकी सबसे पहले फिर अनबॉक्स करते हैं ये ईयरफोन को अपने। सो गाइस, नॉर्मल सी पैकिंग दिख रही है, कोई ब्रांडिंग वाली पैकिंग नहीं दिख रही, मतलब नॉर्मल जो होती है। मुझे लगा कुछ ब्रांडिंग की पैकिंग देखने को मिलेगी, बट कोई बात नहीं, हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं अंदर। सो गाइस, ये रहे हमारे ईयरफोन आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसकी वायर आप देख पा रहे होंगे शायद। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारे बटन वगैरह, ये कॉल और ये वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, इसको स्लाइड करेंगे यहाँ पे, स्लाइड डाउन। सो ये, और गाइस आप तार की क्वालिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, जो इसकी वायर की है। सो बाकी आगे गाइस, मैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में आपको बताऊंगा गेम प्ले में, बिल्कुल कंप्लीट टेस्टिंग करके बताऊंगा इसकी साउंड क्वालिटी क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। साउंड क्वालिटी की बिल्कुल टेस्टिंग कंप्लीट करूंगा गेम प्ले के द्वारा, और सही देखें फुटस्टेप क्या सुनाई दे रहे, नहीं दे रहे। बाकी आगे बढ़ते, यही था अनबॉक्सिंग के अंदर हमारा। बाकी देख सकते हैं आप, यही थी हमारी बॉक्सिंग में, ये पाउच है, ये ईयरफोन, ये स्प्लिटर, और ये ईयरबड्स, और ये एक्स्ट्रा वो जो कान में फिट करने के लिए, बाकी आप पता ही होगे, बाकी नीचे उसके प्रेम पत्र। सो बाकी बढ़ते हैं अब अपने गेम प्ले की तरफ, वहाँ देखेंगे क्या होता है, नहीं होता है, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्या क्वालिटी आ रही है इसकी, साउंड क्वालिटी वगैरह। सो गाइस, यहाँ पे मैं नीचे उतर चुका हूँ, नीचे उतरने के बाद यहाँ पे अब देखते हैं क्या इसकी साउंड क्वालिटी आ रही, बाकी क्या आ रही नहीं आ रही, पहले से जो मेरे हेडफोन थे, नॉर्मल हेडफोन थे, मतलब ईयरफोन थे, तो उससे देखते हैं क्या परफेक्ट साउंड क्वालिटी। सो गाइस, यहाँ पे मैं फुटस्टेप वगैरह इजीली सुन पा रहा हूँ, मतलब जज कर पा रहा हूँ कि एनिमी बंदा कहाँ पे आया, नहीं आ पाया। सो मुझे पता चल पा रहा है कि एनिमी कहाँ मूवमेंट दे रहा है। सो अगर आपकी गुड, मतलब साउंड सेंस अच्छी है, तो आप इजीली स्पॉट कर लोगे बंदों को, और मुझे पता चल पा रहा है कि कौन सा बंदा एनिमी ऊपर है, कितने, अगर सेकेंड फ्लोर पर है या फिर रूफ़ पर है, या हमारे राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, कितने डिस्टेंस से आ रहा है। तो मुझे ये चीज़ पता चल पा रही है। बाकी और बात करें इसके, तो गेमिंग क्वालिटी काफ़ी मुझे, गेमिंग क्वालिटी की साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी अभी तक की। बाकी देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है, नहीं होता है, थोड़े बड़े मैचेस खेलते हैं यहाँ पे। सो गाइस, अभी तक जितने भी आपने गेम में मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है, वो मैंने सारी, जो एक्स्ट्रा माइक था वो लगा के मैंने करी। अब मैं नॉक वॉक हो चुका हूँ, तो वो एक्स्ट्रा माइक मैं हटा देता हूँ, और जो हमारा नॉर्मल, मतलब इन लाइन माइक हमें देखने को मिलता है, नॉर्मली जो मिलता है, मैं अब उसमें रिकॉर्डिंग करके देखूंगा कि क्या वॉइस आ रही है आपको, जिससे आपको कंप्लीट जजमेंट मिल पाए कि क्या डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जो माइक मिला उसको लगाने के बाद, और बिना जो नॉर्मल हमारा माइक है उसको। सो अभी मैं इसको हटा देता हूँ एक्सटर्नल माइक को, अब नॉर्मल माइक पे मैं इसको यूज़ करके बताऊँगा कि आपको जजमेंट मिल पाएगी क्या इसकी रिकॉर्डिंग आ रही नहीं आ रही। तो गाइस, अब जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैंने, वो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा माइक जो था वो मैंने हटा दिया। अब जो हमारा नॉर्मल माइक है वो जितनी पोजीशन पे रहता है, मतलब ये भी नहीं है कि मैंने उसको मुंह के पास ला के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जहाँ तक वो है वहीं पर रख कर रहने दिया मैंने। तो अब देख लो आप इसकी क्या साउंड आ रही, क्या साउंड का डिफरेंस आ रहा है।
मैं एक बार और इसका डिफरेंस करके बताऊंगा जब मतलब शांति में, मतलब अभी गेम प्ले है तो आपको क्या पता इतना ज़्यादा क्लियर जजमेंट ना मिल पा रहा, तो मैं एक जगह पॉज वॉज कर दूंगा जिसमें कोई भी साउंड नहीं होगा, वहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएट कर लेना, मतलब डिफरेंस आपको इजीली पता चल पाएगा कि एक्सटर्नल माइक के साथ क्या साउंड क्वालिटी आ रही है और बिना एक्सटर्नल माइक के क्या साउंड क्वालिटी आ रही है। सो अभी मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल ही साउंड इसका बंद कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने गेम का साउंड बिल्कुल ही ऑफ कर दिया जिससे आपको क्लियर वॉइस दिखे, मतलब क्लियर वॉइस सुनाई दे माइक की। और ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं बिना एक्स्ट्रा माइक का यूज़ किए बिना बोल रहा हूँ, मतलब जो हमारा नॉर्मल माइक मिलता है अटैच हमारे ईयरफोन के साथ, अभी उस माइक पे बोल रहा हूँ। अभी मैं इसके बाद अपना एक्सटर्नल जो माइक था उसको अटैच करके बोलूँगा, फिर आप देख लेना क्या डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, जिससे आपको क्लियर डिफरेंस का पता चल पाए। सो गाइस, अब मैंने दोबारा से अपना एक्स्ट्रा माइक लगा लिया और आप देख लेना अब क्या डिफरेंस हो रहा है नहीं हो रहा है। इंटरनल माइक था वो पहले था, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने एक्स्ट्रा माइक लगा के बोल रहा हूँ, अब आप देख लो क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है एक्स्ट्रा माइक लगाने के बाद, क्या साउंड क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है। अगर आप कोई रिकॉर्डिंग करते हो तो उसके लिए बढ़िया होता है, या आपके टीममेट को कभी कभार आवाज़ कम सुनाई देती है या क्लियर सुनाई देती तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये चीज़। सो अब आपको डिफरेंस क्लियरली पता चल पा रहा होगा। सो गाइस, ओवरऑल बात करें तो मुझे ईयरफोन काफ़ी हद तक बढ़िया लगे, मतलब इस बजट में यार मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट लगे, बढ़िया लगे, क्योंकि जो मेरा इससे पहले वाला ईयरफोन था वो इतने ज़्यादा मतलब मुझे साउंड का पता नहीं चल पाता था, बट अब मुझे क्लियरली साउंड वाउंड का पता चल पा रहा है कि बंदे के फुटस्टेप का। मेन हमारा यार मेन मुद्दा यही होता है कि एक अच्छे ईयरफोन होने का मतलब कि आपको बंदे के फुटस्टेप का डायरेक्शन का पता चल पाए कि बंदा कहाँ से मूवमेंट करके आपके पास आ रहा है। बाकी गनवन साउंड तो हम चीप से चीप क्वालिटी में भी सुन लेते हैं, क्योंकि गन साउंड का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई साउंड होता है, बट जो हमें मेन चीज़ देती है वो होती है फुटस्टेप साउंड। सो गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ईयरफोन अपने गेम प्ले के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको चाहिए, मतलब आपको मतलब चाहिए कि अच्छे डिसेंट बजट फ़ोन में एक बढ़िया ईयरफोन हो जिसमें आप क्लियरली फुटस्टेप वगैरह और सही गेम सेंस गेम साउंड आपको मिल पाए, तो मैं ये कहूँगा कि ये ईयरफोन बढ़िया है काफ़ी हद तक। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बंदे कह रहे थे कि भाई ईयरफोन की वीडियो लाओ, ईयरफोन बताओ हमें कौन सा बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा हमारे लिए, हमारे पबजी खेलने के लिए। सो गेमिंग के लिए काफ़ी हद तक बढ़िया है, बाकी मैंने ऑडियो में सुना था, बट उसके लिए मैं ज़्यादा ये रेकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप गेमिंग करते हो और गेमिंग के लिए आपको स्पेशली चाहिए, सो ये बहुत ही ज़्यादा इस बजट में कमाल का ईयरफोन आपको मिलने वाला है। सो मैं आपको कहूँगा अगर आप ईयरफोन लेने की सोच रहे हो तो ये ज़रूर ले सकते हो आप। इसकी वारंटी भी मिलती है यार 1 साल की, और मैंने वारंटी वगैरह चेक वेक करी, वो आप इजीली क्लेम कर सकते हो, बस आपको चाहिए मतलब सही से इसकी फ़ोटो वोटो खींच लेना, और आपकी जो भी मतलब पे स्लिप मतलब इनवॉइस होगी उसको अपने पास रखना, सेव रखना। सो आप बस इजीली वो वारंटी को क्लेम कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। मैंने देख लिया था इसकी वारंटी मिलती है 1 ईयर की, सो जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, चॉइस आपकी है, आपके जो मन में आए वो कर सकते हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आगे भी ईयरफोन की वीडियो लाने वाला हूँ और भी एक दो का रिव्यू करने वाला हूँ इसी बजट के अंदर, जिससे आपको कंप्लीट टेस्टिंग का पता चल पाए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बढ़िया बेस्ट होने वाली है। सो मैं और भी एक दो वीडियो लाने वाला हूँ ईयरफोन के ऊपर। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत ही जल्द आएगी आगे फ्यूचर में। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।